जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरणियों, लागू एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर कई वीडियो आपने देख लिए होंगे। भर्ती को लेकर एक नोटिस भी वायरल हो रहा है, एक आरटीआई का रिप्लाई भी वायरल हो रहा है और उसको कुछ बच्चे सच मान रहे हैं, कुछ फेक मान रहे हैं। उसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है इसको आज हम तोल लेंगे। क्या ये वैकेंसी सच में अगस्त में आने वाली है? क्योंकि इस वैकेंसी की जो घोषणा बताई जा रही है कि ये वैकेंसी जो 9000 पदों पर जो वैकेंसी होने वाली है ये अगस्त के महीने में आएगी या अगस्त से पहले आएगी? क्योंकि अगस्त के महीने में आपकी जो मेन वैकेंसी, एक सबसे बड़ी वैकेंसी जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो है एसएससी जीडी की। क्या उस समय ही दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी? अप्रैल के महीने में आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है और इसके बारे में क्या सबसे गोल्डन चांस है आपके लिए? इस वैकेंसी को लेकर आप सबने एक नोटिस देख लिया होगा, नोटिस है ये वाला। इसमें कितनी सच्चाई है? वैसे एक आरटीआई का ये ऑफिशियल रिप्लाई बता रहे हैं जिसमें बताया ये जा रहा है, अगर मैं आपको आंकड़े सही नहीं दिख रहे तो मैं आपको बताऊं, इसमें एससीपी के 180 पोस्ट है, इंस्पेक्टर की 29 पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की 963 पोस्ट है, ऑल सब इंस्पेक्टर की 1320 पोस्ट है, हेड कॉन्स्टेबल की 1201 पोस्ट और कॉन्स्टेबल की लगभग 8485 पोस्ट बताई जा रही है। कि ये क्या है? ये रिक्त पद है। ध्यान रखना, पहले तो मैं बता दूं ये कोई वैकेंसी नहीं है, ये बताया गया है कि दिल्ली पुलिस में इस समय इतने रिक्त पद है। अब इनमें से एक चीज और बता दूं, सीपीएसआई के भी एक वैकेंसी है ये। तो जो ये रिक्त पद है ना, जो इसमें बताए जा रहे हैं आपको 963, ये उसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। जो भी सीपीओ के फॉर्म भरे जा रहे हैं ना, उसमें ये इंक्लूड कर दिए गए। दूसरी बात क्या सर, 8085 पद, जो 8485 पोस्ट पे वैकेंसी कॉन्स्टेबल की, क्या अगस्त के महीने में आएगी? देखिए, ये तो सूचना है, ये किसकी है? ये 19/2/2024 की सूचना है। इसके अनुसार ये है कि ये क्या है? खाली पद है। क्या ला लो? खाली पद है, ध्यान रखना। तो ये दिल्ली पुलिस में खाली पद है। अब यहां पर सोचने वाली बात ये, अभी जो वैकेंसी हुई थी लगभग 7500 कुछ पदों पर, 7500 पदों पर जो अभी वैकेंसी हुई थी दिल्ली पुलिस की, वो पदे भी तो अभी कंप्लीट नहीं हुए ना, वो भी तो दिल्ली पुलिस में अभी खाली है पद है। समझ गए बात को? उनमें से जैसे जिन बच्चों को बुला लिया गया है या उनकी भी ट्रेनिंग चल रही है मान के चलो, तो उनका फाइनल वो दिल्ली पुलिस में कब माने जाएंगे? फिर जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर लेंगे ना, तब यहां से ये जो पोस्ट ऑफ वैकेंसी है ना, तब तक ये भरी हुई मानी जाएगी। कहने का मतलब खाली मानी जाएगी। तो इसमें से 7500 पद तो आप ये सीधे सीधे माइनस कर दो भाई, 7500 पद तो है ना, ये सीधे सीधे माइनस कर दो आप, लगभग फिर आपकी कितनी बच जाएगी? 1100-1200 पोस्ट बच जाएगी आप। ठीक है, ये जितनी वैकेंसी आपको दिखाई जा रही है ना, इतना चश्मा मत पहनो, ये बिल्कुल झूठा चीज है। ये वैकेंसी बहुत कम चांस है, हाँ आ सकती है, ऐसी बात नहीं है, आगे पोस्ट कितने पदों पर आए, लेकिन ये जो चीजें है ना, ये रिक्त पद है, लेकिन इसमें से 7500 तो ये पद निकलेंगे, साथ ही 963 पद जो अभी किसमें आ गए हैं, इनमें से कुछ पद इसमें आ गए सीपीएसआई में। और ध्यान रखना, जितनी पोस्ट ऑफ वैकेंसी खाली रहती है उतनी की वैकेंसी कभी एक साथ नहीं होती। आपको एक याद होगा, मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, एसएससी जीडी को लेकर एक वायरल हो रहा था, जब भर्ती नहीं आई थी, तो 1,43,000 पद वायरल हो रहे थे। पदों पर कितनों पर भर्ती आई? 25,000 पदों पर भर्ती आई, जबकि पद कितने खाली है एसएससी जीडी में, पैरामिलिट्री में? 1,43,000। अभी भी आपने देखा हुआ एक नोटिस 1,29,000 का, कि एसएससीडी में कितने पद खाली है? 1,29,000। जबकि मैं बताऊं अगली वैकेंसी भी या तो 30,000 या 40,000 या 50,000 के आसपास आएगी, 1,29,000 एक साथ नहीं आते। तो पोस्ट ऑफ वैकेंसी जितनी खाली है उसकी पूरी वैकेंसी एक साथ नहीं आती है, बहुत कम चांस है कि ये वैकेंसी वाली जो न्यूज है ना, ये पहले बात, ये वैकेंसी की न्यूज नहीं है, पोस्ट ऑफ वैकेंसी है नहीं, इसको बताने वाला कैसे बता देता है? तो मान लो कुछ नहीं मिलेगा तो बता देगा भर्ती आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ये भर्ती आई है, एक नॉर्मल सूचना है, इतने पद खाली है, वो इसलिए खाली है कि ये 7500 बच्चे जो अभी ज्वाइन किए ना, इनकी फाइनल कसम परेड नहीं हुई। जिस दिन कसम परेड होती है ना, उस दिन वो उस बल का सिपाही माना जाता है। जब तक कसम परेड नहीं होती तब तक उस बल का सिपाही नहीं माना जाता, तब तक ये पद रिक्त रहते हैं, और जैसे ही इन बच्चों की कसम परेड होगी ये रिक्तियां भरती जाएगी और 1485 के आसपास पोस्टें रिक्त मानी जाएगी। आगे चल के मान लो अगले साल सत्र में ये वैकेंसी कुछ और एड होके, हो सकता है वैकेंसी आए, इससे मैं डिनाई नहीं करता, आ जाए, लेकिन ये वाली बात है ना, ये पूरी की पूरी झूठी है कि अगली वैकेंसी के लिए खाली है, नहीं, इसमें आधे से ज्यादा तो पिछले वैकेंसी के पद है। 7500 कुछ पद तो ये कॉन्स्टेबल के पद भी इसमें से माइनस होंगे और एसआई के पद भी इसमें से माइनस होंगे, तो बच्चे कुछ 1500 पद है वो खाली, नॉर्मली इतने खाली पीली रहते ही है भाई, समझ गए? तो दिल्ली पुलिस के ज्यादा ना सोचे, आपको अगर टारगेट करना आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ एसआई करिए, दूसरा अगर टारगेट करना आपकी ग्रेजुएशन हो गई तो सीपीएसआई को करिए, अगर आप 10th या 12th पास है आर्मी को कर लीजिए इस समय, और अगर आपको आगे लंबा फोकस टारगेट करना है तो एसएससी जीडी को कर लीजिए। समझ गए बात को? अब क्लियर?
ठीक है, जय हिंद जय भारत लाट।